यहाँ तमाम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, बहनें बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, आप सभी से पहले मैं माफी मांगना चाहती हूँ कि आप लोग सुबह से तपी धूप में बैठते हुए हम सभी लोगों को सुनने के लिए और खास करके मुझे सुनने के लिए यहाँ पे इंतजार कर रहे थे। लेकिन मैं बहुत माफी मांगना चाहूंगी, उसमें एक और चीज जोड़ना चाहूंगी, हफ्ते में सिर्फ एक दिन होता है हेमंत जी से मिलने के लिए और कहीं ना कहीं वो दिन आज का होगा। नीचे करो कलाम भी ले रहे। तो मुझे ये लगा कि सबसे पहले मैं हेमंत जी के पास जरूर जाना चाहूंगी, इस कीमती समय को जो हफ्ते में मुझे सिर्फ एक बार मिला है, उनकी अपनी बातों को रखना और उनके मन में जो विचार चल रहे थे पिछले एक हफ्ते से, उनको सुनना और सुन करके आप सभी को ये मैं बताने के लिए आई हूँ कि आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त, आप जिस भी रिश्ते से उनको मानते हैं, यही कहना चाहते हैं कि आपने अपना माफ कर दीजिए। माफ इसलिए कर दीजिए कि उनका जो सोच था झारखंड में 2019 आपके जनादेश मिलने के बाद आपने उन्हें वो जगह बिठाई, उन्हें वो टास्क दिया कि आपके हर एक वर्ग के लिए वो काम कर सके, लेकिन पिछले दो महीने से वो जेल के अंदर है। सजा क्या है? सजा सिर्फ हेमंत जी को इसलिए दिया गया है क्योंकि वो अपने गरीब जनता के लिए काम करना चाहते थे। उनके सारे के सारे कार्यक्रम जन कल्याण के लिए होते थे। आपका कोई भी वर्ग हो, स्टूडेंट हो, महिला वर्ग हो, बुजुर्ग हो, आप अगर देखेंगे यहाँ पे पूरी लड़ी लग जाएगी सारी योजनाओं की जो पूरे झारखंड के जनता के सब जगह में मिलाई गई है। और ये सिर्फ पिछले चार सालों में पूर्ण बहुमत आने के बाद, हमारे गठबंधन के आने के बाद और आप लोगों के आशीर्वाद के बाद ये हुआ था। लेकिन हम हमारे जो कार्यकर्ता लोग बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, उनको कभी पसंद नहीं आता है कि कोई भी आदिवासी दलित अल्पसंख्यक वंचित समाज का उभरता हुआ कोई आदमी आ रहा है और अपने छात्र के विकास के लिए काम करना चाहता है तो इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है। छात्र में पहले भी सरकारें नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा सरकार जो समय लिया है वो भाजपा ने लिया था। इनको यही डर था कि पिछले 20 सालों से इनसे कोई काम नहीं हुआ। आज एक आदिवासी मुख्यमंत्री आपके बैठ गया है, अरे ये तो बोका है, इससे पूछना होगा आदिवासी का बच्चा है क्या समझ में आता है? कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन आज मैं गर्व के साथ मैं ये कहती हूँ कि आपका अपना भाई जिस तरह से झारखंड को पहला आजादी है, जब कोरोना हुआ था तो इसी मुख्यमंत्री ने, इसी आपके बेटा ने हमारे अपने मजदूरों को दूसरे राज्यों से ट्रेन से, बस से, हवाई जहाज से उस वक्त लेकर के आया जब हमारी केंद्र सरकार ने जितने मंत्री बैठे थे, जितने अपने घर में हम लोग
अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।